Now see, question number 4 is, check whether the following numbers are in continuous proportion. तीन तीन नंबर्स दिए हमें यहाँ पे, और तीनों नंबर्स में हम लोगों को ये बताना है कि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है या नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज 248. नाउ सी, लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 8. नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, मतलब 16. ए इंटू सी इज इक्वल टू 2 इंटू 8, अगेन 16. देखो यहाँ पर आंसर क्या आया, 16. बी स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड ए इंटू सी इज ऑल्सो 16. फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के आंसर सेम है, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आया. बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी एंड देयर फोर फ्रॉम 1 एंड 2 248 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. 248 आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, मतलब क्या, इसमें बी स्क्वायर का आंसर और ए इंटू सी का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. अगर दोनों आंसर सेम आए तो कंटिन्यू प्रपोर्शन, अगर नहीं आए तो नॉट इन कंटिन्यू प्रपोर्शन. ओके, सेकेंड वन देखो, 1, 2, 3. हियर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू 3. सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. 2 का स्क्वायर क्या आया, 4. नाउ ए इंटू सी इज इक्वल टू 1 इंटू 3. क्या आंसर आया, 3. अब मुझे बताओ 4 और 3 दोनों सेम है क्या. हियर बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी. बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. इसका मतलब क्या होता है कि 1, 2, 3 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. ओके, नाउ 9, 12, 16. हियर ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 12 एंड सी इज इक्वल टू 16. देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर. बी क्या है, 12 है, तो बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर क्या आता है, 144. क्या आता है, 144. एंड देन ए इंटू सी, ए इंटू सी क्या आता है, 9 इंटू 16. आंसर इज अगेन 144. यहाँ पे देखो बी स्क्वायर और ए सी दोनों सेम आया है. बी स्क्वायर एंड ए इंटू सी इज बोथ आर इक्वल, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एंड देयरफॉर 9, 12, 16 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. ओके, इसका मतलब क्या है कि 9, 12 और 16 क्या है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है. ओके, नाउ 3, 5 एंड 8. ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 8. राइट, नाउ बी स्क्वायर क्या आएगा, 5 स्क्वायर 25. ए इंटू सी ए सी 3 इंटू 8 24. सी हियर आंसर इज 25 एंड हियर इज 24. सो बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी. बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी एंड देयरफॉर 3, 5, 8 आर नॉट इन कंटिन्यू प्रपोर्शन. आया समझ में, मतलब क्या, बी स्क्वायर और ए इंटू सी दोनों अगर सेम आए तो कंटिन्यू प्रपोर्शन, और दोनों का आंसर अगर सेम नहीं आता है तो देयर आर नॉट इन कंटिन्यू प्रपोर्शन. बिकॉज व्हेन थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. क्या रूल है, व्हेन थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और अगर ऐसे आंसर नहीं आ रहा है तो वो कंटिन्यू प्रपोर्शन में नहीं हो सकते. अंडरस्टूड एवरीवन, राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 5 इज, थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन. थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. ओके, इन दैट ए इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 27. तीन नंबर कंटिन्यू प्रपोर्शन में, उसमें ए है 3 और सी है 27. तो बी हमें क्या करना है, ढूंढना है, फाइंड बी. नाउ ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, दैट इज गिवन, बिकॉज थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन आर गिवन. सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, राइट, बिकॉज थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन. अब ए इज इक्वल टू वॉट, 3 एंड सी इज इक्वल 27. सो 3 इंटू 27 इज इक्वल टू 81. 3 इंटू 27 इज इक्वल टू 81. मीन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81. बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81. बाय स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 9. बाय स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू वॉट, 9, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9. तो बी की वैल्यू क्या है इसमें, 9. समझ में आया. देन कंटिन्यू नंबर्स न कौन से आएंगे, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 9 एंड सी इज इक्वल 27. सो 3, 9, 27 आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन. ओके, राइट डाउन.